वेलकम टू प्रतिभाज किचन। आज मैं आपके लिए एक ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जो है ब्रेड चीजी क्रिस्पी पॉकेट, जो बहुत आसानी से बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो। और चलिए मेरे साथ मेरे किचन में हम साथ में मिल के अपना ये ब्रेड पॉकेट बनाते हैं। तो ब्रेड पॉकेट क्रिस्पी चीज़ बनाने के लिए मैं पहले व्हाइट सॉस बनाऊंगी। इसके लिए मैं एक कढ़ाई पहले से ही चढ़ा के रखी हूँ स्टोव पे। अब उस पर 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल जब गर्म हो जाता है तो इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। अब इसको 1 मिनट तक लो फ्लेम पे भुनेंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा भुनना है। फिर 1 कप मैं इसमें मिल्क डालकर इसको मिलाऊंगी और ये तब तक मिलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। बस 2 मिनट में ये थिक हो जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से थिक हो चुका है, बहुत जल्दी ये मिल जाता है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ यहाँ पे। फिर हम 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे। फिर इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा मैंने कैप्सिकम चॉप करके रखा है छोटे छोटे टुकड़ों में, मैं इसमें डाल दूंगी। आप कोई भी वेजी यूज कर सकते हो, बस उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना। और फिर मैं थोड़ा सा पनीर ली हूँ, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँ। आप कॉर्न भी यूज कर सकते हो इसकी जगह पे। और फिर ये मोजरेला चीज मैंने लिया है, 1/2 कप है ये। आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो। फिर इनको हम मिला लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी, जो होममेड चिली फ्लेक्स है। इनको फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। बस आधा मिनट और इसको मिलाएंगे और देखिए हमारा वाइट सॉस बनके तैयार हो चुका है। बहुत अच्छा थिकनेस है इसका देखिए, और ये अच्छे से तैयार हुआ है। अब कढ़ाई में ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब इसे यहाँ पे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और अपने अगले प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रोसेस में मैं यहाँ पे 4 ब्रेड ली हूँ। इनका सभी का चारों कोना काट देंगे और जो कटा हुआ पार्ट है हमारा, जिसे मैं हमने हटाया है, उसको ब्रेड क्रम्ब बनाने में यूज कर लेंगे। अब ये जो ब्रेड है उसको हम सभी को बेल लेंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग तैयार करनी है, एक पॉकेट सा बनाना है। तो इसे प्रेस करके बेल लेंगे, इससे आसान होगा और अच्छे से हमारा पॉकेट भी तैयार हो जाएगा स्टफिंग के साथ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सभी को बेल लेना है। और अब यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून मैदा लूँगी। और 4 टेबलस्पून वाटर मैं लूँगी यहाँ पे। और इसको एक ग्लू की तरह इसको बना लेना है। जब हम स्टफिंग तैयार करेंगे ना, तो ये ग्लू मैं पॉकेट को चिपकाने में यूज करूँगी। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ग्लू की तरह। अब चलिए ब्रेड में हम स्टफिंग तैयार करते हैं। हमारा जो वाइट सॉस है वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए। और चारों तरफ से मैं ये ग्लू वाला लगा लूँगी। मैं हैंड से लगा रही हूँ, आप ब्रश से भी लगा सकते हो। अगर हाथ यूज कर रहे हो तो प्लीज़ हाथ को बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। अब इसको हम बंद कर देंगे अच्छे से। इसको ऐसे पॉकेट तैयार कर लेना है और बहुत अच्छे से इसको प्रेस करके दोनों कोने को मिला के बंद करना है। कहीं भी आपको लगे कि ये बंद नहीं है तो वहाँ पे फिर से थोड़ा सा मैदा वाला जो है पेस्ट उसको डालकर उसको बंद कर देना। बिल्कुल खुला नहीं रहना चाहिए।
नहीं तो जो हमारा पॉकेट ब्रेड है वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा खुला है, तो यहाँ पे ऐसे हमने मिलाया और इसको ऐसे प्रेस कर दिया, एकदम बंद कर दिया है। ऐसे ही सभी को तैयार करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं से भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही तैयार करके रखना है, ऐसे ही सभी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे सब तैयार हो चुका है। अब चलिए हम अपने अगले प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे मैं एक बैटर बनाऊंगी मैदे का और कॉर्नफ्लोर का। मैं 3 टेबल स्पून मैदा ली हूँ। और सेम क्वांटिटी में यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी लेना है, 3 टेबल स्पून, 3 बड़े चम्मच। अब इसमें हम 1 टीस्पून में नमक डालूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो। और 1/2 टीस्पून में इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, काली मिर्च का पाउडर। अब इसको पानी डालकर इसका थिन बैटर तैयार करना है। वो बिल्कुल थिन पतला होना चाहिए घोल, लेकिन थोड़ा स्टिकी होना चाहिए ताकि जब हम इसमें अपने पॉकेट्स डालें ब्रेड के तो अच्छे से चिपके। अब ब्रेड क्रम्ब और ये एक साथ हम रख लेंगे। और यहाँ पे मैं ब्रेड का जो पॉकेट बनाई हूँ वो पहले इसमें डाल दूंगी मैं। और घोल में बस दोनों तरफ से ऐसे डालना है, बहुत देर तक छोड़ना नहीं है। अच्छे से डालकर चारों तरफ से इसको मिला लेना है और फिर निकाल लेना है, छोड़िएगा उसमें बिल्कुल नहीं। और फिर जो हमने ब्रेड क्रम्ब लिया है उसमें हम मिला देंगे। और ये जो ब्रेड क्रम्ब है मैं ब्राउन ब्रेड का ली हूँ, आप व्हाइट ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब भी ले सकते हो। और ये ब्रेड भी जो हमने यूज किया वो भी ब्राउन ब्रेड है, आप व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही हम सभी का पॉकेट तैयार करके ऐसे ही इसमें घोल करके फिर ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। और ये देखिए हमारा ये तैयार है। अब इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप ऐसे भी इसको फ्रिज में रख कर जब गेस्ट आए तो निकाल कर और उनको फ्राई करके दे सकते हो। बिल्कुल बाजार की तरह है, जैसे हम कोई भी फ्रोजन चीज़ लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। एक बार बनाओ और बार बार चलाओ, बाजार से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में मैंने वो ऑयल रख दी है, अब इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है, देखते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे से ये गर्म हो चुका है। अब फ्रिज से हमने जो निकाला है पॉकेट्स उसको इसमें डालकर फ्राई कर देंगे। और बिल्कुल चलाना नहीं है, एक तरफ जब अच्छे से सिक जाए तब इसको पलटना है। और बीच में बिल्कुल नहीं चलाना है इसको, इसे ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सिकना है। ये मैं 20 मिनट्स बस फ्रिज में रख के बनाई हूँ। आप अगर इसे रखना चाहते हो, प्रिजर्व करना चाहते हो तो रखिए। और जब भी कोई गेस्ट आता है घर में तो उनको झट से 2 से 3 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा से, ये देखिए बिल्कुल अच्छा कलर निकल के आया ना। अब ऐसे ही हम और भी निकाल लेंगे। आप इसे किटी पार्टीज में यूज कर सकते हो, या घर में कोई भी पार्टी हो तो आप इसे घर में बना सकते हो। इंस्टेंट बन जाएगा, ऐसे फ्रिज में रख दीजिए और इंस्टेंट निकालिए और 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई करके दे दीजिए। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टर में आप इसे यूज कर सकते हो, स्नैक्स में यूज कर सकते हो। और देखिए ये कितना क्रीमी है, अंदर से भी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से क्रीमी, इसलिए तो हमने इसको नाम दिया है चीजी क्रिस्पी क्रीमी ब्रेड पॉकेट। अच्छा है ना। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।